अफोर्डेबल है और लाइट वेट है और जो है क्या कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ भी है और जो है बहुत अच्छी इसका रिज़ल्ट, बहुत अच्छा फिनिश इसका है, डीबी फिनिश भी आता है और मैट भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। और ये फाउंडेशन आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगी और इसका लुक जो है अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्किन में सेट हो जाती है, पोर्स को हाइड कर देती है और पोर्स में सेट हो जाती है, बहुत ही फ्लॉलेस से लुक आता है। तो ये फाउंडेशन एक्चुअली है, ये किस ब्यूटी की फाउंडेशन है, लूसेंट मैजिक बीबी फाउंडेशन, और ये जो है परफेक्ट कंसीलर वाटरप्रूफ यहाँ पर मेंशन हुआ है, जो कि आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो, हाई कवरेज भी हो सकती है, ठीक है, और लाइट कवरेज भी है, लाइट वेट है, लाइट कवरेज भी नेचुरल भी आप इसको कर सकते हो। अगर थोड़ा अप्लाई करोगे तो नेचुरल लुक आएगी, अगर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो हाई कवरेज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका ये रिसेंटली मैंने बाय किया, मुझे बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया है, इसका फिनिश लुक बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन मैं ले लेती हूँ, उसको फिर जब मैं पाउडर के साथ सेट करती हूँ तो वो सेट नहीं होती, पाउडर उन पर बैठ सा जाता है और जो कि बहुत अजीब सा लुक आता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता स्किन पे, और फिर मुझे फील होता है कि मैं लाइक अपनी स्किन को बिल्कुल रिमूव कर दूँ, सारा कुछ हटा दूँ, बिकॉज बहुत ही अजीब सी हॉरिबल सी लुकिंग आती है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, फाउंडेशन अच्छी नहीं मुझे होती, तो बहुत कम फाउंडेशन जो कि मैं यूज़ करती हूँ मेरे स्किन पर सूट करती है, उनमें नंबर वन, उनमें जो है नंबर वन तो नहीं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट माई फेवरेट फाउंडेशन ये है, और रिसेंटली मैंने इसको बाय किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और ये फाउंडेशन जो है ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसकी प्राइस मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर रही हूँ, इसकी प्राइस मुझे जस्ट 350 रुपीज़ में ये मुझे मार्केट में ये मुझे रिसीव हुई, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि ये एक्सपायरी डेट इसकी मेंशन हुई है यहाँ पर, 2022 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोड्यूस 2017 में हुई थी, 2022 तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 50 ml की बॉटल आपको जो है फाउंडेशन उसमें आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है और बहुत अरसे तक आपकी चलने वाली है, ठीक है। लाइक 2022 तक तो ईजली आपकी जो है ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करेगी आप पर। इसमें मेरा शेड जो है दो नंबर है, मेक श्योर आप जब भी फाउंडेशन लेते हैं अपना शेड अपनी स्किन टोन से बिल्कुल मैच लिया करें, तो वो आपके स्किन टोन पे अच्छा जाएगा, ये ना कि आप फाउंडेशन ले लें और वो आप पे काम ना करें और बहुत ही अजीब से लुक आए, तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छी जो है मैंने इसका रिव्यू दिया था और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अजीब सा आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अपनी शेड जो है वो गलत जो है सेलेक्ट कर लेते हो, फिर बाद में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि यूनिक सिल्क वगैरह वगैरह, और जिस तरीके से इन्होंने बोला है वैसे ही ये काम करती है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन हुआ है कि इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, फिर स्प्रेड आउट कर देना है, ये कुछ तरीकाकार इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर भी इसकी कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है, प्रोडक्ट और वगैरह वगैरह, बैच नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा नंबर शेड यहाँ पर मेंशन हुआ है और यहाँ पर भी आइटम नंबर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी सी नाइस सी सिल्क एंड स्लीक से पैकेजिंग में ये आती है और बहुत ही डिसेंट सी पैकेजिंग है। लाइक प्राइस वाइज तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस तरीके की पैकेजिंग होगी, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये जो है बीबी फाउंडेशन मुझे रिसीव हुई, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है इस तरीके की, और ये जो है टू नंबर इसमें शेड यहाँ पर भी इसका मेंशन हुआ है। तो ज़रूर इसको बाय करो, ज़रूर इसको ट्राई करो और मेरे साथ इसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर करो, इसका एक्सपीरियंस आप पर किस तरीके की सी इस किस तरीके से आप पर ये रही और किस तरीके से इसने आप पर वर्क किया और आपके लिए कैसी रही और मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा और कैसा रहा, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो तो मैं इसका जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये इसका टेक्सचर किस तरीके से है और किस तरीके से ये ओपन हो जाती है और इस तरीके की ये बॉटल है।
हमें रिसीव होगी है 50 ml की बॉटल, ठीक है, यहाँ पर मेंशन हुआ है। और यहाँ पर इसका पंप है, इसको हम लोग इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इसमें से फाउंडेशन निकल आती है, ठीक है, इस तरीके का। ये थोड़ा क्रीम टेक्सचर है इसका और बहुत ही अच्छी सी इसकी बेस इससे बन जाती है। तो इस तरीके से आपने स्प्रेड आउट करना होता है अपनी स्किन में। तो बहुत इसकी थोड़ी सी अमाउंट, जितना आपको चाहिए उतनी अमाउंट आप इसकी यूज़ करो तो बहुत अच्छे से ये स्किन में जो है सेट हो जाती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से अपने हाथों पे स्प्रेड आउट कर लिया है और ये इसका फाइनल रिजल्ट है। बहुत ही टीवीसीज की फिनिश है। आप इसको पाउडर से भी सेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मैट इफेक्ट अगर आपको चाहिए। बट मेक श्योर अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो उसको 5-10 मिनट दो ताकि वो स्किन में अच्छे से सेट हो जाए, फिट हो जाए। उसके बाद आप जाकर उस पर उसको पाउडर से या फिर प्रेस पाउडर या सेटिंग पाउडर से उसको सेट कर सकते हो मैट इफेक्ट लेने के लिए, ठीक है। और मेक श्योर अपना शेड नंबर भी ज़रूर अपने स्किन टोन से मैच लीजिएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अबाउट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल फाउंडेशन की आपको पसंद आई हो और ये मेरी फाउंडेशन आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको बाय करें, ट्राई करें और मेरे साथ इसका जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।